हेलो एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर वन है उसकी यूनिट 10 हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली। आज इसके हम इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप सभी वीडियो तो वॉच करते हो लेकिन इसे सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे भी सपोर्ट करिए और मैं आपके लिए इस चैनल पर चाहे वो पेपर वन हो या पेपर टू उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाती हूँ। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? ए भारतीय समाज विज्ञान और अनुसंधान परिषद ICSSR, बी ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, सी ऑप्शन है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST और डी है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंस्पायर जो स्कॉलरशिप है वो किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है या किस एजेंसी से उसकी फंडिंग होती है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? ए UGC, बी NCERT और सी NCTE और डी CBSE। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी NCERT। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का निर्माण NCERT ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है? ए समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, बी अधिगम्य तनाव को न्यून करना, सी भावी अधिगम के लिए सशक्त बनाना या डी स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ए, शिक्षा कि गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है या क्या उद्देश्य होता था, तो समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना यानी सभी को समान शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिले, इसको बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? ए राधाकृष्णन आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग या डी आचार्य रामामूर्ति समिति। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य है? ए भारतीय महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि करना, बी देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना, सी ऑप्शन है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का संवर्धन करना और डी भारत में महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना। तो ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है, उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी, देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना, ये उन्नत भारत अभियान योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, आज हमने हायर एजुकेशन के इसमें 5 MCQs किए हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट करिए और मैं इसी तरह से आपके लिए और भी मेहनत करूँगी और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।